हेलो दोस्तों, यार मोबाइल रिपेयरिंग चैनल पर आप सभी लोग को फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ, शायद वीडियो का थंबनेल या तो टाइटल देख के पता चल गया होगा। दोस्तों, आज का टॉपिक है, अगर आपका कॉलपैड का फ्लैश फाइल है और इस फ्लैश फाइल को EDL बनाना चाहते हो, या तो इस फ्लैश फाइल से फ्लैश करना चाहते हो UMT Dongle या तो मिराकल बॉक्स से, और EDL मोड पर फ्लैश करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्त वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोग को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे चैनल के लिए नए आए तो इस लाल रंग का बटन पर क्लिक करके जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो घंटा है इसे भी दबा देना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द सबसे पहले मिल जाए। तो मान के चलो कॉलपैड का फ्लैश टूल जो है ये है, तो इस टूल का मदद से कॉलपैड फ्लैश हो जाता है। तो कभी कभी इस टूल का मदद से फ्लैश करने से बीच में इरर आ जाता है, या तो केबल डिस्कनेक्ट होने से या तो नेट स्लो होने से बहुत इरर आ जाता है, उसके बाद फ़ोन डेड हो जाता है। डेड होने का बाद ये जो EDL शो होता है ADB शो नहीं होता है। तो इस तरह ये डेड होने का बाद फिर ये टूल से फ्लैश भी नहीं होता है। तो दोस्तों, इसका वजह क्या है, और ये EDL फ्लैश फाइल गूगल पर सर्च करने से भी कभी कभी मिलता है, कभी कभी सब मॉडल का नहीं मिलता है। दोस्तों, तो मैं जो फाइल फ्लैश किया है वही फाइल किस तरह कन्वर्ट करके EDL बना सकते हो, मैं आज इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, बहुत आसान है, और EDL फ्लैश फाइल होने का बाद आप UMT Dongle या तो मिराकल बॉक्स या तो कॉलकॉम का जो फ्लैश टूल रहता है वही टूल से फ्लैश कर सकते हो। तो दोस्तों, किस तरह कर सकते हो ये सब देखने के लिए मेरा साथ बने रहिए, वीडियो पूरे लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों, ये जो टूल है CPB जो टूल है अनपेकार, ये टूल का लिंक मेरा वीडियो के नीचे मिल जाएगा। इस लिंक के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए ये टूल। डाउनलोड करने का बाद आपका जो फ्लैश फाइल है, जो कॉलपैड का फ्लैश फाइल है, ये टूल को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने का बाद आपका जो कॉलपैड का फ्लैश फाइल है, इस फाइल का अंदर जाइए। जाने का बाद इस टूल को पेस्ट कर दीजिए। करने का बाद यहाँ से इसको रन कर लीजिए। रन करने का बाद इसको ओपन हो जाएगा, इसको यस कर देना है। यस करने का बाद यहाँ पर जो ऊपर पर जो नाम आएगा ये क्लिक करके नाम को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने का बाद यहाँ पर जो है वो काट के और फिर ये ऊपर का जो नाम कॉपी किया इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसके सामने एक स्लैश दे देना है। उसके बाद ये जो फाइल है मेरा फाइल वही है फाइल, तो इसको राइट क्लिक करके रीनेम का ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस नेम को कॉपी कर देना है। कॉपी करने का बाद इस टूल का अंदर जाइए, फिर ये स्लैश जो जिया पर दिया है इसका सामने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने का बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है ओ स्लैश 2A, तो इसका ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने का बाद इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा प्रोसेसिंग के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये देख लीजिए फाइल हो रहा है, EDL फाइल हो रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा टाइम इंतज़ार कर लीजिए। दोस्तों, लोगों ने बहुत परेशानी कर रहा है ये EDL फ्लैश फाइल डाउनलोड करने से, या तो बहुत लोगों ने ये कॉलपैड का फ्लैश फाइल डाउनलोड किया है और वही टूल से फ्लैश नहीं हो रहा है, बीच में इरर आ रहा है, या तो नेट स्लो है, या तो किसी का मोबाइल बीच में ब्रेक होकर डेड हो गया है, तो फिर इस टूल का मदद से फ्लैश नहीं हो रहा है तो EDL शो हो रहा है, तो मोबाइल डेड हो चुका है। तो इस मोबाइल को EDL फ्लैश फाइल से UMT Dongle या तो मिराकल बॉक्स या तो कॉलकॉम का जो फ्लैश टूल रहता है वही टूल से फ्लैश कर सकते हो EDL फ्लैश फाइल बना के। वही फ्लैश फाइल दोबारा डाउनलोड करने नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक फ्लैश फाइल का 1.5-2 GB हो जाता है MB। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो टूल दिया है ये 2 MB तक है, बड़ा टूल नहीं है। इस टूल का मदद से बहुत आसानी से फाइल को कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों, इस टूल का मदद से फाइल बहुत आसानी से EDL बना सकते हो। CPB फाइल एडिटर ये देख लीजिए, 6.3 इसका वर्जन है, तो बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। इससे कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएगा, क्योंकि 2-3 मिनट से इससे कन्वर्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए कन्वर्ट होकर इस तरह आ जाएगा, सब अभी तक तो यहाँ पर नहीं आया।
आने का बाद आप किसी टूल से फ्लैश कर सकते हो। मैं किस तरह फ्लैश करना है वो भी मैं दिखा दूंगा इस वीडियो पर। वीडियो पूरे लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपका इस तरह सेम प्रॉब्लम हो रहा है और इस तरह फाइल कन्वर्ट करना चाहते हो तो वीडियो पूरे देखते रहिए, वीडियो पॉज मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो बोल बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपको अगर आपका इस तरह प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा भी एक फ़ोन है, इस तरह फ्लैश करने का टाइम डेड हो गया, फिर EDL फ्लैश फाइल गूगल पर सर्च करने से नहीं मिला, तो मैंने इस तरह कन्वर्ट करके फ्लैश कर लिया मेरा मोबाइल को और फ्लैश भी कंप्लीट हो चुका है मेरा। तो देख लीजिए यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद इस तरह जो EDL फ्लैश फाइल जिस तरह रहता है डाउनलोड करने के बाद, इस तरह सब कुछ यहाँ पर देख लीजिए इस तरह आ जाएगा। तो ये देख लीजिए इस तरह एक फोल्डर बन के ये सब आ जाएगा इस तरह। उसके बाद आप मान के चलो UMTI से फ्लैश करना चाहते हो तो सबसे पहले ये लोडर को ले लीजिए। मैं जहाँ पर फाइल बनाया यहाँ पर जा रहा हूँ मैं, ये देख लीजिए यहाँ पर मैं फाइल बनाया, इसको अभी बनाया। तो यहाँ पर पहले लोडर को ले लीजिए, उसके बाद प्रोग्राम को ले लीजिए। मैं फ्लैश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखा रहा हूँ सब लोगों को क्योंकि इस तरह होता है क्या नहीं और बीच में कोई एरर आ रहा है कि नहीं, वही मैं देखा रहा हूँ क्योंकि मैं फ्लैश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पास ऐसा मोबाइल भी नहीं है अभी। ये देख लीजिए पूरे तीनों फाइल को ले लिया है UMTI डेंगल ने। किसी वायर जो टूल है वही टूल से, कॉलकॉम का जो टूल रहता है वही टूल में मैं तीनों फाइल को कन्वर्ट करके ले लिया। अभी फ्लैश करने से, ये फ्लैश पर क्लिक करने से और मोबाइल कनेक्ट करने से मोबाइल फुल फ्लैश हो जाएगा, बीच में कोई एरर नहीं आएगा, 100% फ़ोन भी स्विच ऑन हो जाएगा। दोस्तों ये टूल बहुत अच्छा है इसलिए मैं सब लोग का साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले चेक कर लिया है इसको। मैं भी ऐसा एक, मेरा भी ऐसा एक मोबाइल आया और बीच में एरर आके डेड हो चुका है था। मैं एक वीडियो भी बनाया, देखना है तो देख सकते हो, मेरा पैनासोनिक इलोगा L2 का फ़ोन था तो इसमें बीच में एरर आके डेड हो गया और ADB मोड पर फ्लैश हुआ था, लेकिन बाद में क्या हुआ EDL मोड शो हुआ और ADB शो नहीं हुआ, डेड हो चुका था। तो मैंने ये गूगल पर सर्च करके फाइल नहीं मिला, उसके बाद ये टूल मुझे मिला है और इस टूल का मदद से मैंने ये फाइल को कन्वर्ट किया है और मेरा मोबाइल को फ्लैश कर लिया है। 100% फ्लैश भी हो गया है, मोबाइल स्विच ऑन भी हो गया है, बीच में कोई एरर नहीं आया। दोस्तों इसलिए मैं सब लोगों के साथ साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये टूल बहुत अच्छा है, इस तरह कर सकते हो। दोस्तों मेरा वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरा चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर एक लाइक कीजिए क्योंकि मैं हर दिन इस तरह वीडियो लेता रहूँगा और आप सब लोग को मिल जाए। तो आज के लिए वीडियो इतना तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।